मणिपुर में वधु एक वक्त हिंसा बनाव बन्यो छे, जेमां पुलिसकर्मी सहित पांच लोगों ना मौत थया छे, ज्यारे 10 थी वधु लोग घायल थया छे। आ हिंसा पाछळ केटलाक उग्रवादी संगठनों आतंकियों हाथ मनाय छे। उग्रवादियों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों की फायरिंग कर्यु, जेमां पुलिसकर्मी सहित पांच लोगों ना मौत थया छे। पश्चिमी इम्फाल जिल्लाना फेंग विस्तार में थयेली हिंसा में एक व्यक्ति नुं मौत थयुं, ज्यारे कांगचिंग जिल्लाना सुगनू विस्तार में थयेली हिंसा में एक पुलिसकर्मी नुं मौत थयुं। मणिपुरना केटलाक विस्तार में फरी एक वक्त हिंसा भड़की, त्यारे सीएमएन बीरेन सिंह कह्युं छे के घरों में आगचप्पी अने नागरिकों पर गोळीबार करवामां शामिल लगभग 40 सशस्त्र उग्रवादियों ने सुरक्षा दलोए ठार मार्या छे। सेनाना मते उग्रवादियों वच्चे थयेली वातचीत में एवो मेसेज मळ्यो हतो के मणिपुर ने तबाह करवाना षड्यंत्रकारी हुमला में मानव ढालनो उपयोग करी शके छे। आशंका बाद सेनाए ट्वीट करीने चेतावनी पण जाहेर करी छे। लख्युं छे के नापाक षड्यंत्र छतां भारतीय सेना शांति कायम करवा माटे प्रतिबद्ध छे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नव पासपोर्ट मळ्यो छे अने हवे तेओ आजथी अमेरिकाना प्रवासे छे। मानहानि केसमां राहुल गांधी सांसद तरीके गैरलायक ठर्या बाद तेमनो राजद्वारी पासपोर्ट परत कर्यो हतो। तेमणे 10 वर्ष माटे सामान्य पासपोर्ट जारी करवा माटे कोर्ट पासेनो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग्यु हतु, परंतु कोर्टे तेमणे मात्र 3 वर्ष माटे ज जारी कर्यु छे। राहुल गांधी सान फ्रांसिकोमां प्रतिष्ठित स्टेनफोर्ड युनिवर्सिटीना विद्यार्थियों साथे वातचीत करशे। आ पछी ते वॉशिंग्टन डीसीमां सांसदों अने थिंक टैंक साथीनी बैठकोमां पण भाग लेशे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्यूयॉर्कना जेविस्टन सेंटरमां पण भारतीय अमेरिकानो संबोधित करी शके छे। तेमनी यात्रा 4 जूने न्यूयॉर्कमां समाप्त थशे। तुर्कीमां रसेप तैयत एर्दोगान फरी एक वक्त राष्ट्रपतिनी चूंटणी जीती गया छे। तेमणे विपक्षी नेता कमाल कल्चरदारनुने हराने 11मी वक्त राष्ट्रपति की चूंटी जीती है। चूंटनी बीजा राउंड रन ऑफ में एर्दोगान ने बहुमती मिली थी, तो आ साथ ज एर्दोगान फरी एक बार सत्ता में परत फरिया। अहवाल अनुसार आ राउंड में एर्दोगान ने 52% वोट मब्या, जयरे विपक्षी नेता ने मात्र 48% वोट मब्या था। गत 14मी मे दिवसे राष्ट्रपति की चूंटी मतदान थूं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावाए जणाव्युं छे के वडाप्रधान मोदीए हाल में जे बे वार प्रदेश की मुलाकात लीधी छे, परंतु तेमणे राजस्थान ने शुं आप्युं छे? तेमणे दावो कर्यो के पीएम मोदी मात्र निवेदन अने वचन आपे छे। प्रदेश में कांग्रेस प्रभारीए जणाव्युं के कर्नाटक में जे थयुं छे ते ज राजस्थान में पण भाजप साथे थशे। तेमणे कह्युं के वर्ष 2023 में राजस्थान में फरीवार कांग्रेस की सरकार बनशे अने वर्ष 2024 में पण सत्ता परिवर्तन थशे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए रविवारे नवा संसद भवन उद्घाटन कर्युं हतुं। कांग्रेस पार्टी आ कार्यक्रमनो बहिष्कार कर्यो हतो अने कांग्रेस पार्टी तेना स्टेन्ड पर अड़ग रही हती। पार्टीना कोई नेता ने आ कार्यक्रममां हाजरी आपी न हती। सोशियल मीडिया पर कांग्रेस तरफथी आकरी प्रतिक्रियाओ आपवामां आवी हती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी पर प्रहारो कर्या हता। तेमणे ट्वीट कर्युं हतुं के नवी संसदना उद्घाटननो अधिकार राष्ट्रपति पासेथी छीनवी लेवामां आव्यो छे। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में दाखिल दिल्ली सरकार पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन साथ मुलाकात की थी। सत्येन्द्र जैन की नादुरस्त तबियत ने कारण कोर्टे तेमने 6 अठवाडिया जामीन आप्या। सत्येन्द्र जैन ने मानवता आधार सुप्रीम कोर्ट में जामीन मब्या। ईडी वकीले जैन जामीनों विरोध कर्यो हतो, परंतु भूतपूर्व प्रधान वकील अभिषेक मनु सिंघवीए कोर्ट ने कहु हतु के तेमनी स्थिति ने ध्यान में राखी ओछा में ओछा तेमने मानवता धोरणे जामीन आपो। मणिपुरना मुख्यमंत्री बीरेन सिंह प्रदेश में थयेली हिंसा विषय बात करता जणाव्युं के राज्य में हिंसा ने अटकाववाना अने शांति स्थापवा माटे सुरक्षा बळों द्वारा चलाववामां आवेला ऑपरेशन में 30 जेटला आतंकीओने ठार मारवामां आव्या छे। आ पहला आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे मणिपुरना सीएम ने पण मळ्या हता, मणिपुरमां स्थिति विषय समीक्षा करी हती। बीरेन सिंह निवेदन में जणाव्युं हतुं के नागरिकोने निशानो बनावनारा आ आतंकी समूह सामे करवामां आवेली जवाबी कार्यवाही में 30 आतंकीओना मौत थया छे। विदेशी महिला ने छेड़ती करवा बदल महाराष्ट्र की मजगांव कोर्टे 19 वर्षीय मैनेजर ने 2 वर्ष की सजा फटकारी छे अने 5000 रूपया दंड पण फटकार्यो छे। युवक पर पेरूनी महिला ने छेड़ती करवाना आरोप हतो। कोर्ट चुकादा में नोंध्यु छे के आरोपीओ घणी वक्त विदेशी महिला ने अयोग्य रीते स्पर्श कर्यो हतो अने तेना आ वर्तन ना कारणे देश की छबि खरडाई छे अने हवे योग्य सजा फटकारवामां नहीं आवे तो विश्वभर में खराब संदेशो जशे। कोर्टे आरोपी रियाज अहमद ने पण आ सजा फटकारी हती।
रविवार दिल्ली पुलिस जंतर मंतर ने संपूर्ण रीते खाली करी दीदू। वहीं कुस्तीबाजों सेवाए तमाम विरोधी ने जंतर मंतर थी हटाई देता। कुस्तीबाजों सामान हटाई जंतर मंतर की सफाई करती। ओलिम्पियंस और कॉमनवेल्थ गेम्स चैम्पियन सहित टोचना कुस्तीबाजों की अटकायत करती, कारण कि नवा बनेला संसद भवन बहार विरोध करने प्रयास कर। रविवार रोज दिल्ली में बे मोटी घटनाओं जोवा मळी हती। सौथी पहला वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए लोकशाही नवा मंदिर एटले कि नवा संसद भवन उद्घाटन कर्यु, तो बीजी बाजु जंतर मंतर पर भाजपना सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाना प्रमुख ब्रिजभूषण सरणसिंह विरुद्ध विरोध कर रहेला कुस्तीबाजोए संसद भवन तरफ कूच करने प्रयास कर्यो हतो। आ दरमियान दिल्ली पुलिसे तेमने कस्टडी में लीधा हता। हवामान विभाग द्वारा पंजाब हरियाणा और राजस्थान में वरसाद पड़वा की आगाही करवामां आवी छे, त्यारे तेनी असर रविवार राजस्थान में जोवा मळी हती। राजस्थान में भारे पवन साथे वरसाद पड़ता मोबाइल नो टावर धराशायी थयो हतो। हवामान विभाग द्वारा हजू पण भारे वरसाद पड़वा की आगाही करवामां आवी छे, तेमज आगामी समय में 80 प्रति किलोमीटर की झड़पे पवन फूंकाय तेवी आगाही कराई छे। भारे पवन फूंकाता मोबाइल नो टावर पण पड़ी गयो हतो, जेना वीडियो हाल सोशियल मीडिया में खूब झड़पथी वायरल थई रह्यो छे। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली और तेना आसपासना विस्तारों में हवामान में पलटो आता लोगों ने गर्मी में राहत मिली छे। आ राज्यों में छेल्ला 24 कलाक में आंधी साथे हळवाथी मध्यम प्रमाण में वरसाद थता तापमान में घटाड़ो नोंधायो छे। आ स्थिति वच्चे हवामान विभागे 29मी तारीख माटे दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा में येलो एलर्ट जारी कर्यो छे, तो आ साथे ज दिल्ली में हळवा वरसादनी संभावना पण व्यक्त करवामां आवी छे अने तेना कारणे राजधानीनुं महत्तम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जेटलुं रही शके छे। झारखंड जुदा जुदा विस्तारों में वीजी पड़वा ओछा में ओछा 12 लोगों मौत थे। शुक्रवार धनबाद जिला बरवाड़ा विस्तार में वीजी पड़वा एक महिला और तीन पुत्री मौत थूं, जयरे जमशेदपुर गुमला जिला में वीजी पड़ता 2 लोगों मौत थे। गुरूवार वीजी पड़वा 7 लोगों मौत थे। चतरा हजारीबाग रांची और खूंटी जिला में एक एक व्यक्ति और हुसैनाबाद में 2 व्यक्ति मौत थे। नवा संसद भवन उद्घाटन कर्या बाद वडाप्रधान मोदीए संबोधन में जणाव्युं हतुं के जूनी संसद भवन में तमाम माटे तेमना कार्यो पूरा करवा मुश्किली रूप थई रह्या छे। आथी करीने टेक्नोलॉजी साथे संकळायेली समस्याओ हती अने आ माटे छेल्ला 1-2 दायकाथी आ नवा संसद भवनना निर्माणनी चर्चा थई रही हती। पीएम मोदीए कह्युं के आगामी समयमां बैठको अने सांसदोनी संख्यामां वधारो थशे। तेमणे कह्युं के समयनी मांग हती के नवा संसद भवननुं निर्माण करवामां आवे। वडाप्रधान मोदीए नवा संसद भवन उद्घाटन कार्यक्रम बाद संबोधन में जणाव्युं हतुं के भारत में मात्र लोकतांत्रिक राष्ट्र ज नहीं परंतु लोकतंत्र की जननी पण छे। तेमणे कह्युं छे के भारत आजे वैश्विक लोकतंत्रनुं पण आधार छे। वडाप्रधान मोदीए कह्युं छे के लोकतंत्र आपणा माटे मात्र व्यवस्था ज नहीं परंतु एक संस्कार छे, एक विचार छे अने एक परंपरा छे। तेमणे कह्युं के महाभारत जेवा धर्मग्रंथों में घणो अने गणतंत्रनी व्यवस्थानो उल्लेख पण मळे छे। पीएम मोदीए कह्युं छे के केटलाक वर्षोनी गुलामीए आपणा पासेथी आपणुं गौरव छीनवी लीधुं। अमदावादना हाटकेश्वर ब्रिज भ्रष्टाचार आरोपी खोखरा पुलिस स्टेशन में हाजर थया छे। अजय इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी कर्मचारी चिराग पटेल और कल्पेश पटेले आत्मसमर्पण कर्यु छे। आगोतरा जामीन रद्द थया बाद बन्ने आरोपी पुलिस समक्ष हाजर थया छे। मेडिकल टेस्ट बाद बन्ने आरोपी की धरपकड़ करवामां आवशे। रविवार अमदावाद में पड़ेला धोधमार वरसाद वच्चे अनेक जग्याए वृक्षों पण धराशायी थया हता। गुजरात यूनिवर्सिटी रोड पर मुख्य दीवाल तूटी पड़ी हती, तो भारे पवन साथे धोधमार वरसाद पड़ता यूनिवर्सिटी रोड पर मोटो वृक्ष पण धराशायी थयो हतो। रातना समय वृक्ष धराशायी थता यूनिवर्सिटी रोड पर वाहन व्यवहार पण खोरवायो हतो। कोर्पोरेशननी टीम अने ट्राफिक पुलिसे रस्ता परथी वृक्षने हटावानी कामगीरी शुरू करी हती, तो रस्ता पर वृक्ष धराशायी थता ट्राफिक खोरवायो हतो। बनासकांठा जिला वातावरण में पलटो जोवा मळ्यो छे। अंबाजी सहित आसपासना गामडाओं में वावाझोड़ाने कारणे भारे नुकसान थयुं छे। दाताना रतनपुर में दीवाल धराशायी थता 2 भैंसना पण मौत थया, तो गब्बर नजीक शेड धराशायी थयो हतो, जे के सदनसीबे कोई जानहानि थई न हती। दाता रोड पर नडियाडवाळुं मकान धराशायी थयुं हतुं। फॉरेस्ट ऑफिस नजीक अनेक वृक्षों अने होर्डिंग्स धराशायी थया हता। भारे पवन ने कारणे रतनपुर बस स्टेण्ड नजीक समग्र राज्य में वातावरण में पलटो जोवा मळ्यो छे, त्यारे दाहोद जिला में भारे पवन साथ वरसाद वरस्यो हतो। दाहोद सीटी और समग्र जिला विविध पंथक में पड़ेला कमोसमी वरसाद थी लोकोने परेशानी में वधारो थयो हतो। दाहोद लीमखेड़ा पीपलोद देवगढ़ बारिया संजेली और फतेहपुर में भारे पवन साथ वरसाद वरस्यो हतो। भरुनाळे चौमासा जेवी स्थिति जोवा मळी हती।
अरवली जिला में भारे पवन फूंकायो हतो। मोडासा और भिलोडा पंथक में भारे पवन फूंकावाने कारणे वृक्षों और होर्डिंग्स धराशायी थया हता। मोडासा हंगामी बस पास महाकाय होर्डिंग्स और वीजपोल धराशायी थया हता। साई मंदिर और कॉलेज रोड पर वृक्ष धराशायी थया हता। पाटण पंथक में गतरोज आवेला कमोसमी मावठाती सिद्धपुरनी जूनी वहोर में मकान धराशायी थयुं, तेमज रामपुर वदाणी गामे मकानना छापरा पण उड़ी गया, तेमज अधार वामेया मार्ग पर बावड़ना झाड़ पड़ी जवाथी हाल मार्ग बंद छे। अमदावाद में गईकाले सांजे भारे पवन साथ वरसेला वरसाद ने कारण अनेक स्थले वृक्षों धराशायी थया। शहर माणेकबाग विस्तार में बीआरटीएस रेलिंग पर वृक्ष पड़ू थू, रेलिंग तूटी गई थी। बगीचा खाता द्वारा तूटेला वृक्ष ने हटावा कामगिरी थी थी। अमदावाद शहर में अंदाजे 50 जेटला वृक्षों धराशायी थे। कोर्पोरेशन की ट्री क्यूमिंग की कामगिरी दवा पोकर साबित थया। बनासकांठा पालनपुर पंथक में मोड़ी रात्रे भारे पवन साथ वरसाद वरस्यो, जेथी पशु शेड तूटी पड़ू, जेमा लोखंड पतरू वागता गायनुं मौत थयुं छे। तो भारे पवन कारणे अनेक स्थले वृक्षों धराशायी थया छे। गरडीसा पंथक में भारे वरसाद वरस्यो छे, जेथी 100 जेटला घरों पतरा पण उड्या हता। 2000 तबेलाना शेड ऊंचा अने 500 थी वधु वृक्ष धराशायी थया, तो वीजलाइन तूटी पड़ी हती। साबरकांठा हिम्मतनगर में भारे पवन साथ वरसेला वरसाद वृक्षों धराशायी थे। साबर स्टेडियम की पास तोतिंग वृक्ष दीवाल पर धराशायी थूं, भालेश्वर मंदिर तरफ जवानो रस्तो पण बंद थयो। तंत्र द्वारा तूटेला वृक्ष हटावा कामगिरी न थता स्थानिको ज रस्ता पर तूटेला वृक्ष ने खसेड़वा कामगिरी करी हती। अरवली भिलोडा तालुका में भारे पवन साथ वरसाद वरस्यो। खलवाड़ और मलिकपुर विस्तार में मकान पतरा उड़ी गया था। वृक्षों धराशायी थया, तो चालू वरसादे मकानों पर पतरा उड़ा था। घर वखरी पड़ती पलड़ी गई थी। भारे पवन और वरसाद ने कारण पालनपुर भिलोडा पाटण जिलो मेघरज पंथक दाहोद हिम्मतनगर वगैरह जिलों में नुकसानी अहवाल सामे आया छे। पालनपुर पंथक में मध्यरात्रि भारे पवन और वरसाद ने कारण मोटा प्रमाण में नुकसान थयुं छे। पाटण में बपोर बाद भारे पवन साथ वरसेला वरसाद कारण जनजीवन ने असर थी थी। केटलाक विस्तारों में पानी भरावा शुरूआत थी थी, तो मिनी वावाजोड़ा कारण केटलीक जगह होर्डिंग्स पतरा छापरा उड़ा था। चाणस्मा जिलियावासना गाम नजीक ज पोल राहदारी पर पड़ता 55 वर्षीय राहदारी ने करंट लागता मौत थू। सिद्धपुर में एक मकान पर धराशायी थू। अमदावाद शहर में करा साथ वरसाद पड़ा बाद नीचाणवाड़ा विस्तारों में पानी भराया था। अमदावाद मणिनगर खोखरा नरोड़ा सरदारनगर ओढ़व सहित विस्तारों में पानी भराया था, तो केटलाक स्थले वृक्षों पड़वा की घटना बनी थी। अमदावाद सिंधु भवन हाईकोर्ट मणिनगर विस्तारों में वृक्ष पड़ू थू। वरसाद की माहौल वासना बेरेजना बे गेट खोल, तो बे गेट 2 फूट और 2 दरवाजा 4 फूट खोल। बेरेज सपाटी 134 फीट आसपास जवा मिली थी। अमदावाद में पड़ेला मवठाए कोर्पोरेशन की प्री मॉन्सून प्लान पोल खुली नाखी छे। भावनगर शहर सहित पंथकना घणा विस्तारों में वरसादी माहौल छवायो हतो। भावनगरना नवागाम में करा साथे वरसाद वरस्यो हतो। वीजळीना कड़ाका अने पवन साथे ज वरसाद पड्यो हतो। अकड़ावनारी गरमी बाद वरसाद थता लोकोने ठंडकनो अनुभव थयो हतो। अमदावादना नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल की फाइनल मैच रंग वच्चे ज स्टेडियम की बहार ट्राफिक जाम थई गयो हतो। जो कि आ समय एक एम्बुलेंस ट्राफिक में फसाई गई थी। अहीं जाणे अमदावाद ट्राफिक पुलिस नुं मैनेजमेंट फेल गयु होय तेवा दृश्यो जोवा मळ्या हता। अंबाजी में मां अंबा दर्शन कर बाद बाबा बागेश्वर हेलिकॉप्टर में अमदावाद जासपुर में विश्व उमिया धाम में आवी पहुंचा था, ज्यां उमिया मां की पूजा आरती करी हती। बाबा ना दर्शन करने माटे लोको पण मोटी संख्या में उमटी पड़ा था। बाबा बागेश्वर उमिया माताजी मंदिर ने शिलानु पूजन पण कर्यु हतु। विश्व उमिया धाम खाते पूर्व आईपीएस डीजी वंझारा सहित लोको द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री नु स्वागत करवामां आव्यु हतु। महत्वनुं छे कि अमदावाद में तारीख 29 अने 30 मे दिवसे 19 रिंग रोड सर्कल नजीक बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार नु आयोजन करवामां आव्यु छे।
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात प्रवास चौथा दिवस से अंबाजी पहुंचा था। अमदावाद थी निकली ने बाबादाता थईने अंबाजी पहुंचा था। धीरेन्द्र शास्त्री अहीं माताजी ना दर्शन तेमज पूजा अर्चना करी हती। धीरेन्द्र शास्त्री नु अंबाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा माताजी ना चुंदरी ओढ़ाड़ी ने स्वागत कर्युं हतुं। धीरेन्द्र शास्त्री अंबाजी माताजी ना दर्शन करवा आव्या होवाथी मार्ग पर कड़क चेकिंग करवामां आव्युं हतुं। तो आ उपरांत अंबाजी में 200 थी वधु पोलीस नो काफलो पण तैनात करवामां आव्यो हतो। भक्तोए बागेश्वर धाम नी साथे साथे जय माताजी ना नारा पण लगाव्या हता। अमदावादना ओगणजमां बाबा बागेश्वरना दिव्य दरबारनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आ कार्यक्रममां 5 लाख लोको बेसी शके तेवी व्यवस्था करवामां आवी छे। आ कार्यक्रमना स्थळ उपर एक वीआईपी एंट्री साथे 5 एंट्री ग्रेट रहेशे। तो कार्यक्रम स्थळ उपर ऊंचो स्टेज बनावामां आवशे। स्टेजनी जमणी बाजू वीआईपी पार्किंग रहेशे, ज्यारे डाबी बाजू जनरल पार्किंग रहेशे। दिव्य दरबारमां पास वगर एंट्री आपवामां आवशे नहीं। तो आ कार्यक्रममां समय 1000 करता वधारे स्वयंसेवको व्यवस्थामां जोडाशे। व्यारामां आदिवासी महापंचना कार्यक्रममां डेडियापाड़ाना आपना धारासभ्य चेतर वसावाए बाबा बागेश्वर विशेष निवेदन आप्युं छे। चेतर वसावाए कह्युं हतुं के 2 वर्ष कोरोना काळमां बाबा कई गुफामां बैठा हता। चूंटणीओ आवे त्यारे लोकोने गुमराह करवा आवा बाबा मैदाने आवे छे। चेतर वसावाए उमेर्युं हतुं के आदिवासी समाजने कोई चमत्कारिक बाबानी जरूर नथी, आदिवासी समाज प्रकृतिनी पूजा करनार समाज छे। डीसामां ठाकोर समाजना समूह लग्नमां वावना धारासभ्य गेनीबेन ठाकोरे निवेदन कर्युं हतुं, जेमां गेनीबेन ठाकोरे कह्युं हतुं के ज्यां सुधी धंधा रोजगार मेळवी आर्थिक सघर न थाय त्यां सुधी घरे पांडुरुं पण बांधवानी सलाह आपी हती। समाजने व्यसन मुक्त अने कुरिवाजो मुक्त बनावी शिक्षण वधारवानी अपील करी हती। डीसामां ठाकोर समाजना 7मां समूह लग्नमां 45 नवयुगलोए प्रभुतामां पगला पाड्या हता। सूरत शहर में 16 जेटला केन्द्रों पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की प्रिलिमिनरी परीक्षा आयोजन कर 4,900 उम्मीदवार नोधाया था। सवारना प्रथम सेशन में 9:30-11:30 और सेकंड सेक्शन में 2:30-4:30 दरमियान परीक्षा योजाई थी। प्रथम जनरल स्टडीज और सेकंड एप्टीट्यूड टेस्ट प्रश्नपत्र लेवा गणित रीजनिंग कॉम्प्रेशन लगता प्रश्नों पूछाया था। अमरेली सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात में हवामान विभाग की आगाही ने लेने मछीमारों ने दरियो न खेड़वानी सूचना आपवामां आवी छे। जाफराबाद ना मछीमारों ने दरिया माथी परत बोलावी लेवामां आव्या हता, जेमां 700 बोट साथे मछीमारों चेतवणी ना भागरूपे जाफराबाद पहोंच्या हता। मछीमारों ने दरियो खेड़वानी सीजन पूर्ण थाय ते पहेला ज मछीमारों ने वचन परत फर्या हता। अमदावादमां यूपीएससी परीक्षानुं जनरल स्टडीनी परीक्षा योजाई हती, त्यारे परीक्षा आपनार उम्मीदवारोए प्रीमिलर पेपर प्रमाणमां अधूरू होवानुं जणाव्युं हतुं। प्रश्नना विकल्पमां पण विकल्प पेटर्नथी उम्मीदवारो मूंझवणमां मुकाया हता। प्रश्नपत्र G20 रशिया युक्रेन युद्ध बंधारणने लगता सवालो पूछवामां आव्या हता। इन्कमटेक्स बार एसोसिएशन की 76मी वार्षिक सामान्य सभा आयोजन कर वर्ष 2023-24 होदेदारों और कारोबारी सभ्यों की सर्वानुमते निमणूक करती थी, जेमा एडवोकेट धीरेष्टी शाह प्रेसिडेंट एमरेटस तरीके, सीए आशीष मकवाणा प्रमुख, सीए श्रीधर शाह उप्रमुख, सीए जयकिशन पमनानी मानद मंत्री, सीए मौलिक पटेल मानद सहमंत्री और सीए शिव भावसार खजांची तरीके निमाया था। पाटणना सिद्धपुरमां वोहरा समाजना मकानोनुं भविष्य भूतकाळ बनतुं जाय छे। वोहरा समाजना लोकोए सिद्धपुरने छोड़ी देशना विदेशमां वस्या छे, जेथी त्यांनी जाळवणी मुश्किल बनी छे अने हवे आ समाजना लोको द्वारा मकानो तोड़ी पाडवामां आवी रह्या छे। तो बीजी बाजु केटलाक परिवारो हेरिटेज समान मकानोने बचाववा माटे प्रयासो हाथ धरी रह्या छे। पाटण जिल्लानुं सिद्धपुर एक प्राचीन अने पौराणिक नगरी छे, जेमां हजारोनी संख्यामां ऐतिहासिक इमारतो आवेली छे, जेमां केटलीक इमारतो जर्जरित हालतमां छे। ज्यारे वोहरा समाजना लोको द्वारा इमारतो उतारी देवानो कॉन्ट्रेक्टर अपाई रह्यो छे, ज्यारे सिद्धपुर ने विशेष ओळख आपता वोहरा समाजना ऐतिहासिक मकानोनु स्ट्रक्चर जोवा देश विदेशमांथी पर्यटको आता होय छे, त्यारे आ मकानोनु बांधकाम एकबीजा साथे जोडायेलू होवाथी आ मकानोना बांधकाम साथे चेड़ा करवा भयजनक साबित थाय तेम छे। अमदावादना रखियालमां सरकारी क्वार्टर्स पर गैरकायदेसर दबाण मुद्दे ज हाईकोर्टे नाराजगी व्यक्त करी छे। निवृत्ति बाद पर कर्मचारी क्वार्टर्स खाली न करता हाईकोर्टे गंभीर नोंध दीधी छे, जेथी तमाम निवृत्त कर्मचारीओ हाईकोर्टे 15,000 दंड फटकार्यो छे। हाईकोर्टे कह्युं छे कि अरजदारोए क्वार्टर्स खाली न करता अन्य कर्मचारीओने कायदाकीय हड़प तरफ मारी रह्या छे। सरकारना रेकॉर्ड मुजब 1,200 कर्मीओ पासे क्वार्टर्स नथी अने अरजदारो खाली करता नथी, तो ऑथोरिटीए पण कब्जो पर लेवा कोई कार्यवाही न करी होवानुं हाईकोर्टे गंभीर नोंध दीधी छे।
મહીસાગર જિલ્લામાં 672 બૂથો પર બાળકોને પોલિયો રસીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી અને લુણાવડા ધારાસભ્ય અર્બન હેલ્થ સેન્ટરે પોલિયો પીવડાવતા કાર્યક્રમ કર્યો હતો. લુણાવડામાં કુલ 179 બૂથ પર બાળકોને પોલિયો રસીકરણ કરવામાં આવ્યું. જિલ્લાના જાહેર સ્થળ સહિત બસ સ્ટેન્ડ પર પણ બાળકોને રસી આપવામાં આવી હતી, જેમાં આરોગ્ય વિભાગની કુલ 2296 ટીમ પોલિયો બૂથ પર કાર્યરત થઈ છે. સુરેન્દ્રનગરની મહાત્મા ગાંધી સિવિલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 5 વર્ષથી સિટી સ્કેનનું મશીન બંધ હાલતમાં છે, જેને કારણે લોકો વધારે ખર્ચ કરી રહ્યા છે. તો વિગતે વાત કરીએ કે જે અંગે કેન્દ્રીય મંત્રી ડોક્ટર મહેન્દ્ર મુજપરાને મુદ્દે રજૂઆત કરી હોવા છતાં કોઈ કાર્યવાહી ન કરતા લોકોમાં રોષ ફેલાવ છે. સરકારે જિલ્લામાં લોકોના આરોગ્યની સુવિધા માટે સિટી સ્કેનનું મશીન ફાળવાયું છે, પણ ડોક્ટરની ટીમ ન હોવાથી ગાંધી હોસ્પિટલમાં મશીન ધૂળ ખાઈ રહ્યું છે, જેનો ખાનગી હોસ્પિટલમાં લાભ ઉઠાવી દર્દીઓ પાસેથી 5-6 હજાર પડાવે છે, જેને કારણે તત્કાલિક સિટી સ્કેન અને એમઆઈઆર મશીન ગાંધી હોસ્પિટલમાં શરૂ કરવા સ્થાનિકોએ માંગ કરી છે. ભગવાન જગન્નાથજીની જળયાત્રા બાદ ભગવાન મોસાળ જવા રવાના થશે ત્યારે મોસાળ વિધિમાં કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું છે. પ્રથમ વખત મોસાળમાં 11 તારીખ રવિવારે લક્ષ્મીનારાયણ યજ્ઞ યોજાશે, જેમાં પ્રભુ પ્રસાદી પણ આપવામાં આવશે. તો કેરી, ડ્રાયફ્રૂટ, મગજનું મનોરથ, મિક્સ ફ્રૂટ જેવા મનોરથ પણ યોજવામાં આવશે. ત્યારબાદ 14 તારીખે 11 વર્ષના દિવસે ભગવાનનું મામેરું દર્શન માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે. ખેડા ગોબલેજ રોડ ઉપર પ્લાસ્ટિકની ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ લાગી છે, જેમાં ફોર્મોસા સિન્થેટિક ફેક્ટરીમાં વિકરાળ આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આગ લાગતા ફેક્ટરીમાંથી તમામ કર્મચારીઓ બહાર દોડી આવ્યા હતા. દુર્ઘટનાની જાણ થતાં નડિયાદ, ખેડા, બારેજા, અસલાલી, ધોળકા અને અમદાવાદના 8 ફાયર ફાઈટરની ટીમો પણ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી હતી. આગ ઉપર કાબુ મેળવવાની કામગીરી ચાલુ હતી, જેમાં આગ બુઝાવતા 3-4 કલાક જેટલો સમય પણ લાગ્યો હતો. શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક તારણ સામે આવ્યું છે. ભાવનગરમાં અસામાજિક તત્વોનો જાણે પોલીસને ડર ન રહ્યો હોય તેમ લાગી રહ્યો છે. શહેરના વડવા વિસ્તારમાં વેપારીને ધમકાવીને રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ થયો છે. એક શખ્સે હાથમાં તીક્ષ્ણ હથિયાર લઈને દુકાને આવીને વેપારીને ધમકાવતા હોય તેવા સીસીટીવી પણ વાયરલ થયા છે. વેપારીઓ આ અંગે નીલમબાગ પોલીસ મથકે રજૂઆત કરી છે. વાપી નજીક ભંગારવાડામાં પ્લાસ્ટિકના ગોડાઉનમાં એકાએક આગ ફાટી નીકળી હતી. ગોડાઉનમાં મોડી માત્રામાં પ્લાસ્ટિક હોવાથી આગનું વિકરાળ સ્વરૂપ પણ ધારણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ તત્કાલિક વાપી પાલિકા ફાયર અને વાપી જીઆઈડીસી ફાયર બ્રિગેડની 4 ફાયર ટીમો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ ઉપર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસ હાથ ધર્યા હતા. વાપી પોલીસ અને ઇમરજન્સી સેવાની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. જોકે સમગ્ર આગની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નહીં. પંચમહાલ આઈસીડીએસ વિભાગ ગાંધીનગરના નામે આવતા કોલને ફોલો કરતી મહિલાઓ માટે ચેતવણીરૂપ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મોરવા હડફમાં સગર્ભા લાભાર્થી મહિલાઓને કોલ કરી ગાંધીનગર આઈસીડીએસ વિભાગમાંથી બોલતા હોવાનું જણાવી છેતરપિંડી આચરવામાં આવે છે. લાભાર્થી મહિલાઓને તેઓની વિગતો જણાવી વિશ્વાસમાં લઈ સહાયના નાણાં આપવાનું જણાવીને ગુગલ પેમેન્ટ મેસેજ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ગુગલ પેનો પિન નંબર લઈ ભેજા બાજુએ નાણાં પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવ્યા હતા. સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે વીજ કંપનીની ઓનલાઈન પરીક્ષા કૌભાંડમાં વધુ 3 આરોપીઓની સાબરકાંઠાથી ધરપકડ કરી હતી. સતેશ પાટીલ, બિપિનચંદ્ર પરમાર અને નિસર્ગ ઉર્ફે ગુલ્લુ પાર્થ નામના 3 એજન્ટોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તમામ આરોપીઓને સુરત કોર્ટમાં રજૂ કરી 2 દિવસના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે. વીજ કંપનીની ઓનલાઈન પરીક્ષામાં સોફ્ટવેરની મદદથી ગેરરીતિ કરીને ઉમેદવારોને પાસ કરાવ્યા હતા, ત્યારબાદ વીજ કંપનીમાં નોકરી અપાવી.